हेलो गाइस, नमस्कार। आपके साथ मैं हूँ सूर्या और आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो वेलकम बैक। आज हम हैं अभी सतना में और सतना से आज हमारा राइडिंग का जो सफ़र है शुरू होता हुआ। तो आप देख सकते हैं इसका घर काफ़ी शानदार नज़ारा यहाँ पर टॉपिक। और आज की ब्लॉगिंग का करने का मेरा जो मोटो था बिल्कुल तो क्लियर है। पिछले ब्लॉग में आपने कहा गया था एकदम गए थे ना हमारे घर में, चलिए चलते हैं अपनी बाइक पे। और ये है अपनी बाइक। तो तरुण भैया कैसे हैं आप, एक स्माइल करिए मेरे जो फैंस हैं। तो बिल्कुल आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और खुश हो रहा है, 3:07 बज रहे हैं मैक्सिमम और शाम का समय है। खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर, 0 उमदा। भाई साहब गजब का नज़ारा, वाह। ये है सतना की नई बस्ती अरविंद नगर और डिग्री कॉलेज, और सामने अपना है दुर्गा भवानी ऑटो पास पी लिमिटेड, अरविंद नगर विद्यालय डिग्री कॉलेज। शानदार व्यू, काफ़ी बच्चे खड़े हुए हैं, लड़कियां लड़के बहुत सारे लोग। और आज के इस जर्नी में, आज के इस सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और घंटे को मिला आइकॉन जरूर से जरूर दबाएं और अपने भाई सूर्या को फॉलो करें। तो नमस्कार। बिल्कुल आप रिलायंस पेट्रोल पंप अपने क्रैश करते हुए हैं, काफ़ी अच्छा पेट्रोल जो सोच निकला है वो एक उमदा, यानी संदेह इसमें बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा यानी ले जाए है पेट्रोल, और बहुत सारे बाइकर्स राइडिंग कर रहे हैं आगे पीछे, अपनी टोली बहुत सारे दोस्त हैं फ्रेंड्स जो पीछे हैं, बिल्कुल अपने धीरे धीरे ब्लॉक को पूरा करते हुए ब्लॉक। और काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं बहुत टाइम से लगातार ब्लॉगिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप सभी के लिए एक शानदार ट्रेवलिंग वीडियो सतना से पीजम जाने का एक खूबसूरत एक्सपीरियंस आप सभी को लाइव में देना चाहता हूँ। तो देखिए और शांत समय के लिए मैं चुप हो जाऊँगा और आप इंजॉय करिए इस जर्नी को। तो देखिए शानदार व्यू। और जुनून के साथ राइडिंग करते हैं। देखिए शानदार, एंजॉय करिए भाई साहब। अपने सपना में बस एक चीज़ बहुत है, नो इंडिकेशन, नो रूल फॉलो ही नहीं करते। ट्रैफिक में मैंने देखा है
तो इस चीज़ को हमें सुधारनी चाहिए और बस यही है रिक्वेस्ट कि थोड़ा अपना ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है राइडिंग करते समय या ड्राइविंग करते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अपन सतना से शायद 5 किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं और अब इसके बाद आने वाला है माधवगढ़ नदी, और जिसमें देखेंगे उसका एक गजब का व्यू है वहाँ पास का, बहुत एक अपनी अलग जर्नी है सतना की। तो आप सतना से रीवा यदि कभी ट्रैवल करते हैं बस या बाइक कार या राइडिंग करते बाइक से जाते हैं आप, तो बिल्कुल आपको ये सब नज़ारा पूरा दिखेगा। और टोयोटा एक नई एजेंसी खुली है 4 व्हीलर के शौकीन है तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन शानदार, मज़ा आएगा बिल्कुल। प्लीज़ यदि आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें वीडियो को, फॉलो करें हमें, और हम हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आपको और से अच्छी अच्छी वीडियो लाएँ, एक्सपीरियंस देंगे आपको ट्रैवलिंग का, बहुत अच्छा नज़ारा। बिल्कुल अपन आ चुके हैं माधवगढ़ क्रॉस होने वाले हैं, उसका सारा नाम है ज़्यादा। मैं वैसे अपना इस एरिया के बारे में बताता हूँ, काफ़ी अच्छा क्षेत्र है एमपी में, मोस्ट ऑफ जो टूरिस्ट प्लेस है उनको भी विजिट करने वाला हम ब्लॉग बनेंगे, बेहतरीन ब्लॉग बनेंगे, फाड़ो ब्लॉग बनेंगे। बहुत एक्साइटमेंट हूँ, बहुत एक्साइटमेंट हूँ मैं इसके लिए। मेरे को अच्छा लगेगा कि आप सभी के साथ एक तो अच्छी जर्नी। रीवा यहाँ से है 58 किलोमीटर्स, रीवा कृपालपुर परमठ, और यहाँ पर नगर अमर शहीद जवान एक पार्क है, आपको ये गूगल में मिल जाएगा बिल्कुल। काफ़ी अच्छा नज़ारा, और यहाँ पर सतना नदी, और इसे बोलते हैं माधवगढ़ नदी, अच्छा व्यू है बिल्कुल, आपको मैं दिखा रहा हूँ। वीडियो को लाइक करें यदि आप नए हो चैनल में, और घंटे के बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि आगे आपकी वॉइस इंडिया की बहुत वीडियोज जो भी आएंगे तो आप देखने के लिए आप ज़रूर दबाएं। बहुत ट्रॉफिक होता है यार अपने इधर सतना एरिया में, से थोड़ा बच के रहना भैया, गैस सिलेंडर, इंडियन गैस सिलेंडर। ओह माय गॉड भाई साहब क्या ट्रॉफिक है यार, गुरु एक नंबर। क्या बोले कैसे बोले, कितना खराब यहाँ का एक्सपीरियंस रहा भाई। बाय लाइट इधर तो कभी ना आना, क्यों ट्रेन से ही रीवा निकल जाना बहुत गंदा है, या फिर आप बस से ट्रेवल करें या फिर बाइक से, बहुत गंदी सिचुएशन, बहुत गंदा है। तो मैक्सिमम 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर थोड़ा गड़बड़ रोड है, बट इसके बाद शानदार आप देखेंगे, यहाँ का ब्लॉगिंग एक नंबर ब्लॉग होने वाले। तो नमस्कार आपको सभी को, आज की इस ब्लॉग पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप जिस साथ मैं हूँ सूर्या, और बिल्कुल आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटे बेल आइकन को जरूर दबाएं, प्रेस करें, ताकि अगली आने वाली वीडियो जरूर भाई का जरूर आप देखें। शानदार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी ट्रेवलिंग वीडियो आपको एकदम फॉलो टाइप का लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल लाइक करें वीडियो को और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, और बेल आइकॉन घंटा जरूर दबाएं भाई प्लीज़ यार, बहुत ज़्यादा शानदार ये वीडियो होने वाली है।
का व्यू है शानदार, एकदम पारो घास लगा के चोर बहुत अच्छा है बाकी से आ रहा। लेकिन भाई क्या ब्यूटी है ब्रो, क्या ब्यूटी है। ट्रॉपिक होता है वहाँ पास, क्योंकि वहाँ पास एकदम क्लियर रोड नहीं है तो बिल्कुल ट्रेवलर को जो बाइकर्स होते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है और राइडिंग पालों में तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपने मेरे पूरे ब्लॉग में ही देखा है कि कितने बड़े बड़े गड्ढे, वही ये नहीं पसंद रोड में वही गड्ढे यहाँ आया था, गड्ढे बहुत सारे गड्ढे भाई, गड्ढे 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 भाई, बिल्कुल सफ़र जारी है।